चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं। राजीव ने किया जिला परिषद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल। नरकटियागंज पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के लिए अनुमंडल कार्यालय में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पंचायत चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में जिला पार्षद के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। वहीं बृहस्पतिवार को विभिन्न प्रत्याशियों ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर शुभ का संकेत दे दिया है। वहीं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 17 लौरिया से राजीव कुमार श्रीवास्तव ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान राजीव कुमार के समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा गया। आए हुए समर्थकों ने राजीव कुमार को फूल माला पहनाकर शुभ का संकेत दे दिया है। इस दौरान राजीव कुमार ने लोगों से चौमुखी विकास का वादा किया, साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर पंचायत बनाने का वादा किया। वहीं पंचायत में अधूरे कार्यों का पूरा करने का संकल्प लिया, साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए क्षेत्र के अधूरे विकास को पूरा करने का संकल्प लिया। कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, मेरे जीतने का सारा श्रेय उसी दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन हम समझा लेंगे अपने लोगों को कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। अगर जनता हमें मौका देती है तो बस यही एक मेरा पहला और लास्ट काम होगा कि हम समझा देंगे कि प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। किस जगह से नामांकन दाखिल किया? मेरा नामांकन हुआ है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से लौरिया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार श्रीवास्तव है।